रोशन मेहरा जी, कैसे हैं आप? रोशन मेहरा जी, सुन पा रहे हैं? सलमान, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? परफेक्ट I'm good, sir. How are you? परफेक्ट। रोशन जी कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। रोहित जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। आप सुनाए सर? बहुत बढ़िया। रोहित, कल के सेशन में आप थे नहीं, बट यस सेशन सर। की सर रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा सर। सर रिकॉर्डिंग तो मिली नहीं सर, मुझे लगा हुआ ही नहीं कल से। सर, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है अभी? नहीं सर ओके, मुझे नो नहीं। वरीज, आफ्टर दिस सेशन आई लुक इन टू इट। और ओके अगर कभी ओके भी रिकॉर्डिंग मिस होती है तो प्लीज आप में से कोई भी एक व्हाट्सएप पे अपडेट कर दीजिए। जी अजीत जी पाल सर। जी, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर। बहुत बढ़िया। सो सलमान से स्टार्ट करते हैं। सलमान, व्हाट अबाउट द वेबसाइट? कुछ समझ आ रहा है वेबसाइट में? चलिए, मुझे लगता है सलमान का कनेक्शन फिर से दोबारा वीक है। कोई बात नहीं सलमान, कीप योर वीडियो ऑफ, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा। आपका सेशन बहुत यस सर, आई बढ़ एम जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। इट इज ओके, गुड सर। ओके, सो सलमान, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? चलिए रोशन जी के पास चलते हैं। रोशन जी, कैसा चल रहा है सर वेबसाइट का? सर मैंने लाइव इंस्टॉल किया लेआउट, जी, और मैंने एक को पेज भी बनाना शुरू कर दिया। अभी सो अभी चल रहा है, सब कुछ फ्री चल रहा है अब? अभी मुझे लगता है सर उस टाइम है ना, शायद कुछ आपने सेटिंग कुछ गड़बड़ कर दी होगी, जिस वजह से वो पेजेस एडिट नहीं हो पा रहे थे। ओके सर। चलिए कोई बात नहीं। अजीत पाल जी, सर क्या चल रहा है वेबसाइट का, और कोई इशू, कोई क्वेश्चन? जी सर, क्वेश्चन है सर। जी बताइए सर। सर मैंने उसमें कल वो कॉमर्स सर इंस्टॉल किया था सर। ठीक है, लगे इंस्टॉल करने के बाद जब मैं लास्ट प्रोसेस में गया सर, एरर आ गया। लास्ट प्रोसेस पे एरर आ गया। ओके जी सर, उसके बाद फिर मैंने उसको वापस और एरर क्या आया था सर? ऑटोमेटिक एरर लिखा हुआ आगे सर, थीम से कनेक्ट नहीं हुआ सर वो। ओके, अभी देख लेते हैं सर तो क्या सर है? मेरे को उसका प्रोसेस समझ में नहीं आया, तो मैंने इसको डीएक्टिवेट करके वापस डिलीट कर दिया। ऐसा कभी भी अगर आप लोग के पास कोई इश्यू आए, कोई एरर आए, तो आप उस टाइम उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें, जी सर। इजी रहेगा आप लोगों के लिए। रोहित, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है सर? सर पेजेस बना रहा था सर, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को भी आई है सर। सर क्या प्रॉब्लम आई है? सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक होम पेज बनाया था, एक पहले से ही बना हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक अलग से होम पेज बना लिया, बट वो पहले वाला डिलीट नहीं हो रहा है सर। वो ट्रैश में डाला मैंने, तब भी नहीं जा रहा सर वो, पता अभी नहीं। डिलीट कर देते हैं सर। जी सर, मॉर्निंग में तो वर्क फ्रेश स्टार्ट नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था सर। सर कभी कभी हो सकता है आपका कैशे एरर कुछ हो सकता है इवनिंग में सर स्टार्ट हुआ सर मेरे ऑटोमेटिक। सर, मैंने जब ट्राई किया तो इट वाज वर्किंग फाइन। हाँ सर, अगर कभी इशू आता है, उससे पहले मैंने ट्राई किया था, तो आपका मैसेज आया उस टाइम भी हो रहा था सर। मुझे लगता है वेबसाइट को मेरी याद आ रही थी सर, सर। तभी दिक्कत आ रही होगी। चलिए यहाँ चलते हैं। रोशन जी, कोई क्वेश्चन है हमारे लिए आपके पास? नहीं सर, आज तो मैंने शुरू ही किया है, अभी तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, आया ओके, नहीं, बस शुरू ही किया है अभी, एक चलिए घंटा यहाँ हो गया। चलते हैं। और ये वूकॉमर्स सर इंस्टॉल हो तो गया आपके पास? सर इसको आप आगे प्रोसेस करो सर, इवन वापस किया सर, अभी इवनिंग में आज वापस किया सर मैंने इसको, पर मैंने जैसे जैसे इंस्टॉल किया सर, ये ऑटोमेटिक बता रहा, वो प्रोसेस नहीं बता रहा जिससे मैं कर सकूँ सर। एक काम करते हैं सर, हम यहाँ पे वूकॉमर्स से कुछ एक प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं और पेज पे डाल के देख लेते हैं, जी सर। है ना? ऐसा कुछ कर लेते हैं। जी सर। जैसा कि आपको पता है, वूकॉमर्स में काम करने के लिए एक प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जाऊंगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे चले जाते हैं और एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसका कोई प्राइस डाल देंगे, एंड वील ट्राई कि हमारे पेज पे वो प्रोडक्ट दिखे। किस तरीके से दिखेगा अभी दिखाऊंगा मैं आपको। प्रोडक्ट का नाम अजीत जी कुछ सजेस्ट कीजिए मुझे। सर वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग क्या डालें सर? वॉल हैंगिंग, क्लॉक क्या डालें? ऐड सर। कर रहे हैं, कैटेगरी ऐड नहीं कर रहे, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। हाँ सर, प्रोडक्ट ही बता रहा हूँ सर। वॉल हैंगिंग सर, हैंडवर्क का जो आता है ना सर, पूरा शोपीस सर। के लिए होता वॉल है शायद हैंगिंग वो। में कुछ तो होगा स्पेशलिटी, घड़ी है, चिड़िया है, नहीं सर, पीकॉक है। सर एम्ब्रॉयडरी वर्क का है सर। हाँ, ओके, हैंडवर्क है सर। वॉल हैंगिंग करेंगे सर इसको, जी सर। हैंगिंग नहीं डालेंगे। अगर ये वॉल हैंगिंग डालोगे तो कीवर्ड ही पिक नहीं कर पाएगा ये। ठीक नहीं सर, वो एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग है। है,
embroidery wall hanging. देखते हैं अपने पास. ठीक है, ये मैंने इस तरीके से पेज का प्रोडक्ट का नाम क्यों डाला ये भी आपको बाद में समझ आएगा. अभी आप इसको बस जो सा मैं सिखा रहा हूँ वैसे करते रहिए. ये क्यों डाला है, क्या डाला है, ये सारी चीजें आपको बाद में समझ आएंगी. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी का भी एक कुछ उठा लेता हूँ और वहां से इसका डेटा डाल देता हूँ. मान लीजिए मैं अमेजोन से यहाँ से उठा लेता हूँ और हल्का सा डेटा डाल देता हूँ. वॉल हैंगिंग का डिस्क्रिप्शन कुछ ये वाला हो गया. ये तो काम ही नहीं कर रहा है, कुछ देख लेते हैं. यही नीचे किसी और के पास नीचे से सर सर फोर्थ नंबर आ रहा है नीचे से टाइमिंग. दोबारा बताइए सर. चला गया, कोई बात नहीं सर. चलिए यहाँ से इस प्रोडक्ट का कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाला हुआ है. ओके इन्फॉर्मेशन सर आज मेरे पास कॉल आया था सर. वो मैं जहाँ विजिट करके आया था उनका. क्या कॉल आया था सर? सर वो लोग जो गांव के लोग हैं उनका जो एक है मुख्य उनका कॉल आया था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेशंस सर. इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी हैंडवर्क होता है जी, वो हम आपको आपके साथ काम करके पूरा जो जो वर्क होता है उसकी सिर्फ कॉस्टिंग जो अपने को लगेगी, जो लेबर लेती है वो लगेगी, बाकी सारा हम आपके साथ काम करेंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रोशन जी सर थोड़ा सा आपका जरूरी है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. रोशन जी नेटवर्क मार्केटिंग भी इनको सिखाओ, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट कर पाए ना सर, उससे बड़ा चांदी और कुछ नहीं है. अपने लोग हो जाएंगे बहुत. आप लोग रोशन जी को पकड़ सकते हैं, महारत हासिल है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनको अलग से उनका एक सेशन अरेंज करवाओ और उनको बोलो सर नेटवर्क मार्केटिंग सिखाओ कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बना सकते हैं इस बिजनेस में हम. सर मैं तो रोज इनको पकड़ के रखा है, डेली कॉल करता हूँ सर. वो मेरे से परेशान होने वाले हैं. नहीं परेशान होने वाला नहीं. चलिए मैंने यहाँ पे रेगुलर प्राइस रख दिया 1200 रुपए, सेल प्राइस रख देते 1000 रुपए, और कुछ इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट में तो आपको पता है क्या क्या करना है. प्रोडक्ट टैग्स मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, जैसे मतलब एम्ब्रॉयडरी या किसी तरीके से मैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट टैग्स डालने के लिए ना मैं टैग्स में एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग को तीनों को अलग अलग ले लेता हूँ. टैग्स मतलब ये एक तरीके का समझ लीजिए कि कीवर्ड हो गया आपकी वेबसाइट के अंदर ही. ये वॉल हैंगिंग भी मैंने डाल दिया, दो टैग्स लगा दिए. कैटेगरी, कैटेगरी किस पे डाले? कैटेगरी वॉल हैंगिंग पे डाल दे सर. एम्ब्रॉयडरी पे डाल दें मुझे लगता है वॉल हैंगिंग और एम्ब्रॉयडरी कैटेगरी दोनों होनी चाहिए, दोनों बना लेते हैं है ना, और दोनों कैटेगरी में इसको डाल देते हैं. ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास ऐसे वॉल क्लॉक एक आ जाए जिसको आप वॉल हैंगिंग कैटेगरी में डालना चाहते हो. तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वॉल हैंगिंग एंड एम्ब्रॉयडरी. मतलब अब कस्टमर वॉल हैंगिंग भी देखेगा तो उसको ये प्रोडक्ट दिखेगा, कस्टमर एम्ब्रॉयडरी ढूंढेगा उसको भी ये प्रोडक्ट दिखेगा, है ना. इजी मेथड. यहां से चले जाते हैं, प्रोडक्ट का सब कुछ डाल दिया, प्रोडक्ट की इमेज डाल देते हैं. बहुत बढ़िया सर, अच्छी इमेजेस क्लिक कर रहे हैं. ये उसे उधर से ही क्लिक किया सर, आपने किया है सर? ये ऐसे मैंने गूगल से निकाली है. ठीक है, पर उन लोगों ने भेजी मेरे को ये सारे डिजाइन अपने, मतलब ये सर जो भी हैंडवर्क के डिजाइन है. लेकिन बस ये देख लीजिएगा सर, अगर वो दे रहे हैं तो आप उनसे एक लेटर वेटर लिख लीजिए कि इस डिजाइन को यूज कर सकते हैं. पता लगे वो भी गूगल से निकाल रहे हैं और जिस डिजाइनर ने डिजाइन किया उसने उठा के आप पे केस डाल दिया. नहीं सर ये सिर्फ टेम्परेरी है, अपन खुद फोटो क्लिक करेंगे सारे सर. चलिए अभी टेम्पररी में डाल रहा हूं सर, आप इसको अपने आप देख सकते हैं. प्रोडक्ट गैलरी के अंदर हम कुछ इमेजेस डाल लेते हैं. ये अपने पास है, ये अपने जहां यार, हां ये वाला सर. चलो बहुत बढ़िया, मैंने तीन इमेजेस प्रोडक्ट कैटेगरी में डाल लिया. अब मेरा एक प्रोडक्ट बन चुका है, क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? yes. कुछ भी नहीं है यहां तक? नो सर. यहां पे आपको वीडियो डालनी है, वीडियो डालिए. अजीत जी आपको कुछ भी लिखना है, जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है वो डिस्क्रिप्शन लिखिए. सर मेरे को ये पूछना था सर जी, सर जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था ना ये सब सर जी, इंडिया में एक है कोई गुजरात का, वो ये सारा काम कर रहे हैं. कल ही मैंने उनके बारे में पढ़ा सर. कोई बात नहीं, करने दीजिए सर. क्या हो गया? मतलब जो मैंने बोला ना सेम प्रोसेस उनका है सर. कोई बात नहीं सर, अच्छा है ना. हाँ मतलब मैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको जी सर. अब यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ.
एक नया पेज बना रहा हूँ। पेज का नाम दे देते हैं हम, लेट्स सपोज होम टेस्ट वन। इनका क्वेश्चन ये है और इश्यू ये है कि इनका WooCommerce इनको पता नहीं है कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो हम उसको बस एक बार चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। मैं यहां से कोई टेम्पलेट अभिजीत जी अभी कॉल नहीं करूंगा, मैं स्क्रैच लेवल से ही स्टार्ट करूंगा। हमारा टारगेट सिर्फ ये कि WooCommerce काम कर रहा है नहीं कर रहा है। So, मैं अभी डिजाइनिंग को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मैं यहां पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट तीन सेक्शन ले लेता हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं प्रोडक्ट, वू रिलेटेड प्रोडक्ट। चलिए ये कौन सा वू रिलेटेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट काउंट तीन आ गए, लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग वाला प्रोडक्ट दिख जाएगा हमें, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहां देखते हैं, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाला वॉल हैंगिंग प्रोडक्ट हमें दिखना चाहिए। हमारी फोटोग्राफ तो वहां से आ जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं आई है, कोई इशू जरूर है इसमें। एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं हम क्या है। हमारा जो ये पेज है, इस पेज को हम एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है नीचे एक और सेक्शन बना देते हैं जहां पर हम सिंगल ये लेते हैं और वहां पे एक प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट वो रिलेटेड प्रोडक्ट। देखिए WooCommerce के सर ये सब तो आ तो रहा है इसमें, लेकिन एक बार देख लेते हैं और मजेदार तरीके से। लेटेस्ट प्रोडक्ट यहां पे आ गया, एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग काउंट हम यहाँ पे रख लेते हैं वन, जो भी लेटेस्ट वाला प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। और तीन कॉलम्स में नहीं रख के वन कॉलम में रख लेते हैं, रैंडम ऑर्डर ऑर्डर रैंडम रख लेते हैं, डेट यहाँ पे रख लेते हैं, न्यूएस्ट टू ओल्ड, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं आप चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैटेगरी रख ली, ये एक और सेक्शन बना दिया है, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। सेव एंड अब मैं जरा एडिट पेज पे एक नया टैब इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको क्लोज नहीं करना है और मैं पेज का लिंक भी देखना चाहता हूँ डायरेक्टली, तो इसलिए मैं नया टैब नहीं ओपन कर रहा। प्रीव्यू कर लेते हैं, ये रहा हमारा प्रीव्यू का टैब। नहीं सर, इसमें कुछ अपडेट तो हुआ नहीं है ऐसा। सर वो थीम के साथ वही नहीं, उससे पहले ही हो गया सर, एरर आ गया एकदम, मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। एक काम करते हैं फिर, अब तो यहां से हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड में जाते हैं और हम WooCommerce को अनइंस्टॉल कर देते हैं सर। प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, कैसे अनइंस्टॉल करना है, प्लगइन्स के अंदर गए, इंस्टॉल प्लगइन पे गए और WooCommerce में सबसे पहले डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट किसी भी प्लगइन को अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो पहले डीएक्टिवेट करना है, उसके बाद चेक करेंगे एंड डिलीट, सेम प्रोसेस। अब यहां हम चलते हैं ऐड न्यू पे, WooCommerce पे चलते हैं। आज मैं एक थीम देख रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मुझे उस थीम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। तो WooCommerce थीम है, पूरा ई कॉमर्स थीम है, मेरे किसी काम का नहीं है, आप लोग किसी काम का तो जरूर, मैं रिसर्च करने के लिए खरीदता रहता हूँ, अगर आप लोग किसी काम आ जाए तो जरूर उसको यूज कर सकते हैं। सर बताइए कैसी है सर बात। अभी सर ये इशू एक बार रिजोल्व हो जाए, नहीं सर बाद में हम उसको देखेंगे। सेटिंग में चलते हैं और इसकी सेटिंग से एक बार चेक कर लेते हैं WooCommerce की।
products based on your shop. Okay. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पेज के ऊपर और एक पेज बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं चाहूंगा हम अपना प्रोडक्ट भी जरा देख लें, हमारा प्रोडक्ट काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है ठीक से। जो हमने प्रोडक्ट पेज बनाया था वो देखना जरूरी है हमें कि वो प्रोडक्ट पेज बना भी है नहीं बना है। जी सर। सो हम यहां जाते हैं प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स, और ये हमारा एंड्रॉइड वाला पेज है, इसको व्यू कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को देखते हैं प्रोडक्ट बना है नहीं बना है। चलिए प्रोडक्ट तो हमारा बन चुका है सर। जी सर। और रिव्यूज वाला ऑप्शन भी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ये मैंने अभी बड़ा बड़ा लिख दिया था, मैंने डिजाइन नहीं किया है, इसको आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट है, नंबर वन डाल दिया, नंबर टू डाल दिया, ऐड टू कार्ट किया, कुछ होता है इससे? बहुत बढ़िया सर, कार्ट में ये ऐड हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो काम कर रहा है आपका। अब चलते हैं इधर और यहाँ पर हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही सिंगल ऑप्शन में रखता हूँ, सबसे पहले मैं कहीं टेक्स्ट रख लेता हूँ, और इसके नीचे मैं एक और सेक्शन रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एक प्रोडक्ट, WooCommerce से देखिए सारे ऑप्शन अब आ गए ना। जी सर। सो यहाँ पर वो इमेजेस, वो डिस्क्रिप्शन, वो गैलरी, वो ऐड टू कार्ट बटन, हम यहाँ चलते हैं वो रिलेटेड प्रोडक्ट, इस पे चलते हैं और प्रोडक्ट एक बार देखते हैं क्या प्रोडक्ट फाइंड करता है, एम्ब्रॉयडरी वाला प्रोडक्ट। काउंट यहाँ पे वन है, यहाँ आना तो चाहिए सर, ये मुझे लगता है कोई इश्यू इसमें है सर। ये प्लगइन का इश्यू है क्या सर? प्लगइन का इश्यू होना तो नहीं चाहिए जी, क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल होते टाइम कुछ ऑप्शन उसने दिया नहीं है हमें जी, तो जी, हमें जी, काम करते हैं यहाँ पे, हम ना डायरेक्टली एक प्रोडक्ट कॉल करने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं इधर और एडिट प्रोडक्ट पे जाते हैं, ये पब्लिक विजिबिलिटी है बिल्कुल ठीक है, कैटेगरी एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग है, प्रोडक्ट टैग्स दे रखे हैं बिल्कुल ठीक है। इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे, बिल्कुल सही है ये। सो व्हाट विल बी डूइंग, हम एक चलते हैं एग्जिट करते हैं इस डीबी थीम से, एडिट पेज पे चलते हैं, ये हम नॉर्मल वर्डप्रेस में चल रहे हैं अभी, डीबी से हम बाहर आ गए हैं, विल ट्राई कि नॉर्मल वर्डप्रेस में ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। डिफॉल्ट एडिटर पे आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, यहां पे हम प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं,
यहाँ देखते हैं सर कौन सा प्रोडक्ट है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट एंड डन। ठीक है, यहाँ हमारा प्रोडक्ट आ रहा है ये, एंड हम इसको पब्लिश करके देखते हैं। हमारा पेज का नाम है होम टेस्ट टू, पब्लिश। ठीक है, शॉप नाउ का ऑप्शन आ गया, 1200 रुपए था, 1000 रुपए आ रहा है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं। ये हमें इधर ले गया, ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट किया, सब कुछ सही है, प्रोसीड टू चेकआउट किया। चलिए, ये प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है। अब प्रॉब्लम आ रही है आपके डिवी के अंदर, मतलब डिवी जो है वो आपके प्रोडक्ट को दिखा नहीं पा रहा है, तो वहां चलते हैं देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए एडिट विद डीवी बिल्डर पे अगेन चलते हैं। एक और सेक्शन हम ले लेते हैं इधर, इसको ले लेते हैं हम रेगुलर में, और यहाँ पे दो पार्ट ले लेते हैं जस्ट टू टेस्ट। एक पार्ट में टेक्स्ट डाल देते हैं, दूसरे पार्ट में हम कुछ प्रोडक्ट डालने की कोशिश करते हैं अपना। क्या प्रोडक्ट दिख रहा है कुछ? चलिए, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आ रहा है, इसका मतलब हम कोई ऑप्शन गलत चूज कर रहे हैं सर। मतलब अगर जब ये देखिए, इसने पुल कर लिया ना वूकॉमर्स का, वूकॉमर्स की इमेजेस को, प्रोडक्ट की इमेज यही थी ना, तो इसने पुल कर लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। सो यहाँ चलते हैं और यहाँ वूकॉमर्स में और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर वो इमेज मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि वो इमेज जब उसने पिक कर लिया तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट भी पिक करेगा, लेकिन शायद ऑप्शन, या तो वो ऑप्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर हमें सपोर्ट पे इनसे बात करनी पड़ेगी। वो रिलेटेड प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। लेटेस्ट दिखा देते हैं, एम्ब्रॉयडरी काउंट वन, रैंडम बाय मेन्यू देख लेते हैं, अगर मेन्यू में बाय मेन्यू आता है तो। नहीं, इसके अलावा कुछ होना तो नहीं चाहिए यहाँ पे। एम्ब्रॉयडरी वॉल हैंगिंग, ये हमारा प्रोडक्ट है, लेटेस्ट प्रोडक्ट पे अगर हम ले लें इसको, नहीं फिर भी पुल नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी लाइव देखते हैं ये हमारी सपोर्ट कैसे करेंगे। हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, डीवी सपोर्ट सेंटर।
चलिए मुझे लगता है ये टीम अभी उठी नहीं है, आ गई है, वी विल गेट रिप्लाइज हियर यू एज यूजुअल रिप्लाई अ फ्यू आवर्स। चलिए मुझे लगता है टीम इज नॉट वेकेंट राइट नाउ, सो आप इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं अजीत पाल जी, लगभग 12-1 बजे रात में ट्राई कीजिएगा या फिर मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि यूएसआर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो आप ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। बट इसका आंसर सर मैं अपने एंड से फाइंड करने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है सर यहीं पे कहीं मिल जाएगा, या तो ये डिवी का कुछ इश्यू है, कोई एरर है, अगर नहीं है तो डिवी का कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो इसमें हमारी हेल्प कर देगा। मुझे लगता है या तो आप भी YouTube पे सर एक बार डिवी का कुछ प्रोडक्ट हाउ टू यूज WooCommerce विद डिवी चेक कीजिएगा तो शायद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर मैं आपके लिए ढूंढ के खुद ही रख लूं। डिवी पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है प्रोडक्ट पे, यहाँ पे शॉप स्लाइडेड टेस्टिमोनियल गैलरी, वो गैलरी में भी आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे पिक कर रहा है बहुत मजेदार तरीके से, ये पिक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल है इसके मॉड्यूल में, या फिर हम कोई ऑप्शन करेक्टली चूज नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत हीरो हूं, लेकिन हो सकता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो रही हो, लेकिन मुझे जितना लगता है कि इसमें कोई गलती की संभावना नहीं है, हो सकता है डीवी एंड पे कोई प्रॉब्लम हो। चलिए इस पे जरूर बात करेंगे अजीत पाल जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए सो अब चलते हैं रोहित जी। रोहित जी आपकी वेबसाइट पे क्या इशू है सर? वो मैं शेयर करूं सर? शेयर करके बताता हूं। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। जी मैं शेयर करता हूं। जब तक आप शेयर कर रहे हैं मैं एक बार वो थीम निकाल लेता हूं एंड वी विल सी कि वो थीम है क्या, थोड़ा सा उस पे भी हम देखें। शेयर हो गया सर। जी बताइए सर। सर देखिए दो पेज आ रहे हैं होम नाम से, देख रहे हैं आप? ये मुझे स्टार्टिंग अच्छा लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। इसके नीचे भी देखिए सर, ये देखिए सर ये पेज देख रहे हैं, ऊपर दो होम नाम लिखे हुए दो बार। रोशन जी मुस्कुरा रहे हैं, इसका आंसर रोशन जी देंगे कि कैसे ठीक करें। तुम रोशन जी मेरे को फर्स्ट वाला हटाना है होम, ये फर्स्ट। पहले अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी क्या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? इनका क्वेश्चन ये है कि दो होम आ गए हैं, क्या करेंगे ये? मुझे लगता है रोशन जी आपको बहुत तंग करने वाले हैं सारे लोग। मुझे मजा आएगा सर जितना तंग करेंगे। चलिए सो रोशन जी बताइए जवाब सर। मेनू में जाकर मेनू बनाइए आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। सर माय ब्लॉग पे क्लिक कीजिए और डैशबोर्ड पे जाइए सर। सर यहाँ पे अपीयरेंस में जाइए, मेन्यूज में जाइए। ओके अच्छा अच्छा सर, मेन्यूज में आ गए। सर यहाँ पे आपने बनाया ही नहीं है अभी, तो वहाँ पे मेन मेन्यू नेम में यहाँ पे क्रिएट मेन्यू जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, जी सर, यहाँ पे मेन्यू नेम दीजिए। मेन्यू नेम लिखिए सर, मेन्यू नेम में कुछ भी लिखिए जो आपका मेन्यू चाहते हैं आप बनाना। मेन मेन्यू, माय मेन्यू, कुछ भी, माय डीबी, कुछ भी कर दीजिए जी सर। और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कीजिए सर। जी सर। अब सर इसको प्राइमरी मेन्यू चेक इन कर दीजिए, प्राइमरी मेन्यू चेक कर दीजिए। और कुछ तो अभी डाला नहीं है सर आपने? नहीं नहीं सर, और कुछ मेन्यू कर दीजिए। सेव मेन्यू कर दो सर जी। ओके ओके ठीक है सर। चलिए अब प्रीव्यू करते हैं सर, वेबसाइट को नए टैब में ओपन कर लीजिए जी। ये यहीं पे टाइप कर दीजिए वेबसाइट का नाम जी। आ गया? हाँ चला गया वो। हो गया सर? यस सर। सर लेकिन मैं समझ नहीं पाया ऐसे कैसे हो गया।
चलिए रोशन जी समझाने का ट्राई करें सर इनको एक बार, कोशिश कीजिए समझाने की। एक्चुअली जब हम लोग मीनू क्रिएट नहीं करते हैं ना, हाँ जी, जो थीम डाउनलोड करते हैं तो वो अपना मीनू खुद ही ले लेता है। अच्छा, जब आप मीनू क्रिएट करके जो मीनू को यहाँ पे ऐड करेंगे वो मीनू ही वहाँ पे आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके ओके, अच्छा ये गलती सर। अच्छा ऑलराइट, ठीक है सर, मैं समझ गया सर। हम मीनू बनाना पड़ता है जो हमको चाहिए जी। सर एक और चीज है, जब आप किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हैं ना तो मेन्यू बना हुआ नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है। जी सर, जी सर। तो यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि करना कैसे है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सर, सबसे पहले तो आप ये काम किया करें कि आप लोग हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें सर। जी 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 सर, तभी काम हो पाएगा ये। जी सर, मैं अपने एंड पे जरा उस थीम को ओपन कर लूं एंड वी विल सी। सर एक और चीज है जी, बताइए सर। सर ये अजीत जी का और मेरा जो वेबसाइट है ना वो सिक्योर नहीं है अभी, रोशन जी का तो हो गया। सर समझा नहीं, मैं दोबारा बताइए। सर जो हमारी साइट है सर, SSL। हाँ SSL, SSL बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ सर, मैं आगे सेशन में आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस पे काम करना है। ठीक है सर, और SSL में बनाना सिखाऊंगा उसको आपको। जी जी ओके ठीक है सर, तो उस टाइम हम कर लेंगे। हो सकता है इन्होंने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा उस टाइम, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम इन लोगों ने एसएसएल को सेलेक्ट कर लिया होगा, आपने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। ओके, उसको हम देख लेंगे। जी सर, चलिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन अभी थीम का मुझे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि जहाँ से थीम मैंने परचेज की थी वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हूँ, कुछ इशू है उसके एंड में। मैं GPL लाइसेंस ट्राई कर रहा था, आपको भी सिखाऊंगा GPL लाइसेंस क्या है, बहुत तरीके से कैसे काम होता है जी। इसके साथ अभी ये जो आप बना रहे हैं ना सर, यहाँ पे मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन एक बार दे दीजिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। जी सर, यहाँ पर ये जो आप डिजाइन कर रहे हैं ना सर, ये जो इमेजेस हैं, जी 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 जी, ये जो इमेजेस आप डिजाइन कर रहे हैं, इन इमेजेस को और ज्यादा अच्छे मेथड से आप कैसे कर सकते हैं जी। अगर ट्रांसपेरेंसी लेवल, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये देखिए, जैसे ये आपने इंस्टाग्राम का लोगो लिया जी सर, आप देखेंगे इस इंस्टाग्राम का लोगो का हाइट और ब्रेथ जी सर एक स्क्वायर इमेज है, आपने इसको रेक्टेंगल बना दिया, देखने में मजेदार। हाँ जी हाँ जी सर, ये रेक्टेंगुलर लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना इन चीजों को। जब हम कैनवा सिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैनवा स्टार्ट कर दूं जी सर, तो कैनवा के टाइम में मैं ये चीजें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इमेजेस क्रिएट करेंगे, कैसे आप इमेजेस पे आगे काम करेंगे जी। अभी के लिए आप लोगों ने अभी तक अपना लोगो डिजाइन नहीं किया है बिल्कुल भी, करेक्ट? यस सर। रोशन जी किया हुआ है क्या? मेरा किया हुआ था, मैं नया लोगो बना हुआ, मैंने एक लोगो बनाया था। तो मैं कल के सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लोगो के कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, लोगो की सोच क्या होती है, एक लोगो बनाते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आप अपने के बेस पे क्या क्या काम करेंगे, बहुत जरूरी है ना कि लोगो बनाते टाइम, मतलब लोगो करते रहे बस, क्लास खत्म है जी सर। लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि आपका जो लोगो है वो डिफाइन करना चाहिए आपकी सर्विसेज को जी सर, बाकी दिस लुक्स गुड टू मी। सलमान जी वाले प्रोफाइल पे चल जी, ये अपने आप आ गए सर। चलिए बहुत मजेदार लग रहा है सर, वेरी गुड। कौन अभी कर सर? ये किस नाम से था? 1500 ना सर। कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। जी मैं चेक कर लूंगा। क्वेश्चन किसी का? अजीत जी सर, आप थीम बनाना भी सिखाएंगे क्या?
नहीं सर, थीम बनाना बिल्कुल भी नहीं सिखाई होगी, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है सर, वेबसाइट डिजाइनिंग का होता तो मैं जरूर सिखाता क्योंकि फिर आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे सर। जी सर, जब यहाँ पे इतनी फ्री थीम्स मिल रही हैं, सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको जीपीएल लाइसेंस भी सिखाऊंगा, जीपीएल लाइसेंस में आप 99 रुपीस में थीम्स खरीद सकते हैं, कोई सी भी थीम सर। सर बताऊंगा, वो बहुत बड़ा बॉम्ब है, जल्दी फोड़ूंगा उसको मैं। ओके सर, है ना। तो बहुत सारी थीम्स हैं जो आप जीपीएल लाइसेंस के अंदर परचेस कर सकते हैं। जी सर, और यूज कर सकते हैं। बहुत सारी थीम्स और भी मार्केट में पड़ी हैं, वूकॉमर्स तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अभी मैं आपको हल्का सा अगर आइडिया दे दूं तो वर्डप्रेस जीपीएल थीम्स, ये जीपीएल होता क्या है, क्या लाइसेंसिंग होती है, सब समझाऊंगा। अभी यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जीपीएल वर्ल्ड चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहां पे। इलेक्ट्रो थीम है ये, अगर इस थीम के बारे में हम, ये देखिए ये थीम है, लाइव डेमो देख लेते हैं इसका, और ये थीम कितने की है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है पूरी ई कॉमर्स थीम इसकी, ये रही, है ना आदिश पाल जी, मजेदार। जी सर, पाल जी तो ये चाहते हैं। सो ये जो थीम है, ये थीम अगर आप देखेंगे एक्चुअल प्राइस इस थीम का मैं बता देता हूँ आपको कितना है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रो थीम है ना, ये लेकिन थीम खरीदने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं किसी थीम पे सपोर्ट नहीं करूंगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन खुद पढ़ना पड़ेगा। जी सर। सर $59 की थीम है जो हमें 99 रुपीस में मिल रही है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे, सेशन को आज मैं यहीं तक रखता हूं। और क्वेश्चन जी, प्राइस का फर्क क्यों आ रहा है सर? सर प्राइस का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, और ये जादू है बहुत बड़ा सर। प्राइस का फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो थीम वहां पे बेच रहे हैं ना, जो वर्डप्रेस है वो वर्डप्रेस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, मतलब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना, है ना। हमने होस्टिंग लिया, डोमेन लिया और वर्डप्रेस फ्री में इंस्टॉल किया। अब होता क्या है कि वर्डप्रेस के ऊपर जो भी थीम प्रोवाइड करते हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए वो फ्री में इसका डेमो वर्जन अवेलेबल करवाएंगे। और वो सारी जो जीपीएल थीम होती है, ये जीपीएल लाइसेंसिंग जो होती है, ये एजुकेशनल थीम्स होती हैं, जो उसका क्रैक्ड वर्जन होता है जिसमें आपको अपडेट नहीं मिलेगा लेकिन जैसा है वैसा चलता रहेगा वो। तो कोई जीपीएल काम कर जाता है, कोई नहीं काम करता है, रिस्क है, लेकिन मुझे लगता है 99 रुपीज में रिस्क लेने में कुछ जा नहीं रहा है, है ना। और वैसे अगर आप प्लगइन्स की बात करें रोशन जी, जैसे योस्ट एसईओ है, ये सारे प्लगइन्स हैं, ये तो 100% काम करते हैं। आप तो सर 99 में प्रो वर्जन खरीद सकते हैं उसका। सर 100% 99 में, मैं आपको ₹1 में प्रो वर्जन दिखाऊंगा इसका। योस्ट तो लोड करना है ना बाद में। और आप ये भी कर सकते हैं कि किसी जीपीएल का लाइसेंस आपने लिया, उसका डाउनलोड किया और फिर आप अपना भी जीपीएल स्टोर चला सकते हैं। वो जरूर इस पे बात करेंगे। चलिए सेशन रखूंगा, हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद सर। जय हिंद सर। गुड नाइट सर।